इंडिया के T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद और रोहित शर्मा के कप्तानी छोड़ने के बाद T20 का कप्तान कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल है। ऑप्शंस आपके पास बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन पेचीदा बहुत हैं कि अगला T20 कप्तान किसको बनाया जाए, क्योंकि जो टीम का माहौल है वो वर्ल्ड कप में तो आपने बहुत अच्छा देखा, लेकिन ओवरऑल अगर थोड़ा पीछे से देखें तो माहौल बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, और टीम को टैक्टिशियन से ज्यादा इस वक्त ज्यादा जरूरत है एक लीडर की, बिकॉज यंग प्लेयर आ रहे हैं, उनको आगे लेके जाना है, नई टीम बनानी है। इंडियन T20 टीम भी एक ट्रांजिशन के दौर से गुजरेगी, तो यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कप्तान की वो और ज्यादा बढ़ जाती है जो नॉर्मल केस सिनारियों में होती है। तो ऑप्शंस की बात करें, आपके पास एक ऑप्शन हार्दिक पांड्या है, दूसरा ऑप्शन जो है वो सूर्य कुमार यादव हैं, जो अभी तक आपके T20 के वाइस कैप्टन रहे हैं और पिछले 3 दौरों में से 2 में वो कप्तानी कर रहे थे, और उसके अलावा एक और ऑप्शन जो नया इमर्ज हो रहा है वो जसप्रीत बुमराह का, वो अभी रेकनिंग में नहीं है, लेकिन मेन लड़ाई जो है वो T20 में कैप्टनशिप की वो हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव के बारे में है। सो पहले हम बात करते हैं हार्दिक पांड्या की। अब हार्दिक पांड्या को कप्तानी देने के चांसेस बहुत ज्यादा है, लेकिन हार्दिक पांड्या के साथ एज अ लीडर कुछ दिक्कतें हैं। जब उनको पहले इंडिया का कप्तान बनाया गया था, बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए जो एज ए कैप्टन उनकी हरकतें थी वो बहुत अच्छी ऑन द फील्ड देखने को नहीं मिली। मैं आपको 1x1 बताता हूँ कि जैसे जब उनको कप्तानी मिली तो उन्होंने हर बारी नई गेंद पकड़ के फेंकना शुरू कर दिया। शिवम मौबी को एज ए प्योर बॉलर खिला रहे हैं बट गेंदबाजी नहीं दे रहे पूरे मैच में। उमरान मलिक एज ए बॉलर खेल रहे हैं, उनको गेंद नहीं मिल रही। बैटिंग में भी आप देखिए, जब वो गुजरात के कप्तान बने तो टॉप ऑफ द ऑर्डर जाके खुद बैटिंग करने लग गए। सो ये होता है कि कप्तानी सिर्फ ये नहीं है कि सब कुछ आप करने लगे, ये टीम में यंग प्लेयर भी आ रहे हैं, उनको भी ग्रो करना है, उनको भी आगे लेके जाना है। टीम एक प्लेयर से नहीं होती है, टीम 11 प्लेयर से होती है। सो टीम बिल्डिंग का जो प्रोसेस है वो लीडरशिप स्किल की डिमांड करता है, और शायद अगर आप जो पिछले डिसीजंस देखें हार्दिक पांड्या के एज ए लीडर रहे वो बहुत क्वेश्चनेबल थे, खास करके ये जो डिसीजंस थे कि हर जगह खुद को आगे लेके जाना, बाकी टीम को और प्लेयर्स को छोड़ देना, और उन प्लेयर्स के कॉन्फिडेंस को तोड़ना। स्पेशली शिवम माबी जैसे प्लेयर को आपने खिलाया और गेंदबाजी नहीं कराई, उमरान मलिक को खिलाया और गेंदबाजी नहीं कराई, और आप खुद 4 ओवर फेंक रहे थे जहां आपको जरूरत नहीं थी। सो बेसिकली लीडर क्या करता है ना, मुश्किल काम को अपने हाथों में लेता है और अपनी टीम को आसान काम करने के लिए देता है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा था कि आसान काम खुद करूंगा, मुश्किल काम कोई देख लेना, तुम में से अगर कर सकता है तो वो कर ले। तिलक वर्मा वाला भी एक इंसिडेंट हुआ था जब वो 49 पे थे और हार्दिक पांड्या ने जिस तरह से किया वो भी एक बहुत अच्छा मैसेज दे के नहीं गया। एक यंगस्टर के लिए वो एक अच्छा मैसेज नहीं होता, वो टीम के माहौल को कहीं ना कहीं खराब जरूर करता है। सो जो ये ओवर एम्बिशन है हार्दिक पांड्या की, जो मैं है हार्दिक पांड्या की, वो लीडरशिप में बहुत हद तक आड़े आती है। उसके अलावा अगर आप देखें सो जो माहौल वर्ल्ड कप से पहले था, यहाँ पर फेवरेटिज्म भी प्ले में आएगा और टीम में गुटबाजी के भी चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। हो सकता है कि आप उनके कप्तान बनने के बाद ईशान किशन को इस टीम में आते हुए देखें और टीम में आपको डिफरेंट डायमेंशन जो है वो नजर आने लग जाएं और टीम आपको अलग अलग 2 टुकड़ों में बटी हुई नजर आए। बिकॉज एक बात बड़ी सर्टेन है जो इतिहास बताता है हार्दिक पांड्या का, कि उनके अंदर एम्बिशंस बहुत ज्यादा है, वो ग्रीडीनेस आपको हमेशा दिखेगी, उनके एक्ट्स में वो चीज आपको नजर आ जाती है। आप ओवर द इयर्स उनके करियर को अगर फॉलो करेंगे, जो ओवर एम्बिशंस टू बिकम कैप्टन ऑफ इंडियन टीम, टू बिकम अ मेन प्लेयर, टू बी इन लाइमलाइट, टू बी दैट यू नो टॉप प्लेयर, वो सारी चीजें आपको उनके नेचर में भी नजर आएंगी, वो सब उनके एक्ट में भी नजर आएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, कमिटमेंट फॉर द गेम एंड द कंट्री, जो क्वेश्चनेबल ज्यादा बड़ी चीज है। देखो ग्लोरी तो हर कोई समेटना चाहता है, वर्ल्ड कप में तो हर कोई खेलना चाहता है, लेकिन जब बात आती है लंबी क्रिकेट खेलने की, बोरिंग क्रिकेट खेलने की, टेस्ट क्रिकेट खेलने की, आपको इंडियन टीम की जरूरत के हिसाब से लंबा स्पेल डालने की, या जो आपको इंडिया में टेस्ट मैच खेलना है, ओवरसीज टेस्ट मैच खेलना है, वहां पर उनकी कमिटमेंट हमेशा क्वेश्चनेबल रही है, और उसके बाद उनकी फिटनेस के जो इश्यूज रहते हैं। तो ये कुछ बेसिक चैलेंजेस हार्दिक पांड्या की लीडरशिप के अंदर हैं, और लीडरशिप इस फेज में ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन कैप्टेंसी, बिकॉज आपको यहाँ पर ट्रांजिशन के दौर से गुजरना है,
हर आने वाले खिलाड़ी को सपोर्ट की जरूरत होगी, उस बैकिंग की जरूरत होगी जो आपको रोहित शर्मा की कप्तानी में दिखी थी, जिस तरह से उन्होंने टीम बनाई, वेदर वनडे क्रिकेट में हो या T20 क्रिकेट में हो। दूसरी तरफ अगर आप सूर्य कुमार यादव की बात करें, सूर्य कुमार यादव जो भी रहा हो, बट एक चीज आप देखेंगे कि वो यंग प्लेयर्स के साथ जेल बहुत अच्छा करते हैं। आप देखिए हर प्लेयर के साथ उनका रेपो बहुत अच्छा रहेगा, कम्युनिकेशन उनका बड़ा क्लियर रहेगा, और एक जो कामनेस है बिट लाइक रोहित शर्मा, वो उनके चेहरे पर आपको हमेशा दिखेगी। हार्दिक पांड्या को आप बहुत सारी सिचुएशन में वो फ्रस्ट्रेट होते हुए भी देखते हैं, और एज ए लीडर ये जो क्वालिटीज है ना, वो हमेशा आपकी टीम को इफेक्ट कर जाती हैं कहीं पर। आपको एक पुराना इंसिडेंट याद होगा जो मोहम्मद शमी ने अपने इंटरव्यू में बोला था कि हार्दिक पांड्या ने कुछ गेंद खराब होने के बाद या मिसफील होने के बाद जिस तरह का रिएक्शन दिया, वो शायद जस्टिफाइड नहीं है एक लीडर के लिए। सो उन सब चीजों से क्या हार्दिक पांड्या ग्रो करके आए, वो भी एक सवाल रहेगा, लेकिन टीम में एक अच्छा माहौल बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे लीडर का होना जरूरी है जिसकी एक्सेप्टेंस विद इन द ग्रुप जो है वो सबसे ज्यादा हो। दूसरी चीज, वो प्लेयर्स को बैक अच्छा करता हो, वो कामनेस, वो ठहराव, और वो एक फ्रेंडली माहौल हर प्लेयर के लिए उस ड्रेसिंग रूम में बनाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नए नए प्लेयर आएंगे, कुछ वहां आके फेल भी होंगे, कुछ सक्सीड भी करेंगे, तो वो एक अच्छा माहौल जो चाहिए होता है, टीम एनवायरनमेंट जो चाहिए होता है, वो कप्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होगी। उसके बाद सूर्य कुमार यादव के साथ एक चीज और एसोसिएट होती है, इंडिया ने लास्ट जो दो बड़ी T20I सीरीज खेली है, एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपने 3-2 से उस सीरीज को जीता, एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन साउथ अफ्रीका आपने जिस तरह से T20 सीरीज खेली, ये दोनों बड़ी टीमों के खिलाफ सीरीज थी, एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन साउथ अफ्रीका सीरीज थी। सो ये जो कप्तानी का रिकॉर्ड है बड़ी टीमों के खिलाफ, वो भी सूर्य कुमार यादव के फेवर में है। हार्दिक पांड्या ने जो इंडिया की कप्तानी की है वहां पर बड़ी टीमों के खिलाफ अब तक उन्होंने एज ए कैप्टन मैचेस खेले नहीं है। IPL में उनको गुजरात टाइटन्स के लिए सक्सेस जरूर मिली है एज ए कैप्टन, लेकिन वहां पर जो ओवरऑल ग्रुप था और जो चीजें थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। फिर आपने देखा कि मुंबई इंडियंस में गए, वो सिचुएशन हैंडल करना ही हार्दिक पांड्या की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो सिचुएशन हैंडल नहीं हुई जो कि उनकी खुद की बनाई हुई सिचुएशन थी। सो हैंडलिंग द टीम एंड हैंडलिंग द सिचुएशन, आई फील सूर्य कुमार यादव इज मच बेटर कैंडिडेट फॉर इंडियन क्रिकेट अपकमिंग टाइम। बट दिक्कत अब यहां पर यह भी है कि जब सूर्य कुमार यादव कैप्टन बनेंगे तो फिर टीम में दो फाड़ होने की गुंजाइश बिल्कुल है, क्योंकि ये अब इंडियन क्रिकेट में थोड़ा सा रहेगा और यहाँ पर बोर्ड का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो खिलाड़ी फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं एक के कप्तान बनने के बाद दूसरे के ना बनने पर, तो बोर्ड को यहाँ पर थोड़ी सख्ती से पेश आना होगा। अगर आप इन दोनों को कप्तान ना बनाना चाहें तो आप जसप्रीत बुमराह को कप्तान बना सकते हैं, उनकी एक्सेप्टेंस इस टीम में सबसे ज्यादा है और उनके कप्तान बनने के बाद कोई डिबेट और डिस्कशन फिर मेरे हिसाब से नहीं होगा। लेकिन उनके साथ चैलेंजेस दूसरे हैं कि उनका वर्कलोड मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वो डिफरेंट फॉर्मेट भी खेलते हैं। यहाँ पर आपको कप्तान ऐसा चाहिए जो आपका T20 के लिए 100% कमिटेड हो। सो ये वाला फैक्टर भी सूर्य कुमार यादव की तरफ ज्यादा इशारा कर रहा है, क्योंकि हार्दिक पांड्या को आपको वनडे क्रिकेट भी खिलानी है और टेस्ट क्रिकेट भी उनको खेलनी होगी। ये कह के आप नहीं जा सकते कि मैं सिर्फ व्हाइट बॉल खेलूंगा और मैं सिर्फ क्रीम खाऊंगा, बाकी मजदूरी करने का काम बाकी करेंगे जो टेस्ट क्रिकेट खेलनी है। सो हार्दिक पांड्या आपके तीनों फॉर्मेट खेलने वाले प्लेयर हैं, सो उस हिसाब से जो डेडिकेटेड T20 का प्लेयर हो वो चीज भी सूर्य कुमार यादव की तरफ जाती है। बट लेट्स सी कौन कप्तान बनता है, क्या गौतम गंभीर के आने से वो डिसीजन इन्फ्लुएंस होगा और उनकी प्रेफर्ड चॉइस में सूर्य कुमार यादव कप्तान होंगे, या हार्दिक पांड्या जो एज यूजुअल चल रहा था नॉर्मल सिनेरियो में वैसे ही चलेगा और इंडिया इंतजार करेगी कि हार्दिक पांड्या किस तरह से रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं उसके हिसाब से आगे जाएगी, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो और डिस्कशन अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।